राकेश ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है ना हिंदी एकेडमी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं आप इन नंबर पे कॉल कर लीजिए आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी किताबें लेनी है अगर आपको हमारी तो किताबें भी वहाँ से मिल सकती हैं क्लास लेनी है आपको क्लास भी मिल सकती है तीन चार तरह की क्लासेज आपको मिलती हैं जो प्रजेंट टाइम में लाइव चल रहा है वो भी मिलता है मतलब जो इस समय लाइव चल रही हैं अगर आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए जो ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ हैं वो भी आपको क्लास मिल सकती हैं तो कई तरह की आपको क्लास मिलती हैं आप बात कर लीजिए स्टाफ से चलिए हम शुरू करते हैं आप शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जल्दी से आप बताइए देखकर कि आंसर इसका कौन सा होगा यानी इन चारों में से आंसर कौन सा सही है ये आपको बताना है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा तो ये चीज आपको बतानी है और जल्दी से फटाफट आपका आंसर आना चाहिए क्लेश शब्द कहते हैं जैसे घर में कुछ कलह होता है लड़ाई झगड़ा और लड़ाई झगड़ा हो जाने पे जो मन उदास हो जाता है उस अवस्था को उस चीज को उस दशा को हम क्लेश कहते हैं और आप लोगों के आंसर भी आने लगे आ, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं लगभग लगभग लग लग सभी छात्रों का आंसर सी आ रहा है लेकिन इसमें भी बहुत सारे छात्र इसका आंसर गलत दे रहे हैं ए ऑप्शन बहुत सारे छात्र दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि ए ऑप्शन अगर हम इसका उच्चारण करें तो आपको ध्यान देना है ये कलेश कहलाएगा कलेश अक्सर हम जैसे बोली है हमारी तो बोली में हम कलेश जरूर बोल देते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये गलत है ये गलत है क्लेश नहीं पूरा का नहीं होगा क्लेश होता है क्लेश ठीक है, क्लेश ये आपके में आता है हम गलती करते हैं इसमें तो आपको ध्यान ये रखना है इसके अंदर जो ये हमारा शाह है ये तालु शाह होगा ठीक है तो ये तालु शाह होता है तो इसका आंसर होगा हमारा सी अब क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू भी आपका ऐसा ही है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इतनी बार तमाम बार ये पूछा जाता है और इसको भी आपको देखना है जल्दी और आपको आंसर देना है जैसे लिखें वन का ये टू का ये थ्री का ये इस तरह से आपको आंसर देना है तो टू का आंसर बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुद्ध यहाँ पे लिखा है श्रृंगार चार तरीके से लिखा हुआ है आपको सही बताना है ए बी सी डी बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें भी आंसर आपका लेकिन आप आंसर इसमें तीन आंसर आ रहे हैं ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है ए बी सी तीनों आंसर दे रहे हैं डी वैसे किसी का नहीं आया है चलिए दो का है सी कुछ लोग बी भी बता रहे हैं ओके okay, अच्छा कह रही है तीन का भी अरे तीन का भी आप पहले इसका तो बताइए ना जल्दी से इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं देखते हैं इनको किसका क्या आंसर आ रहा है ओके okay, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा मैं आप लोगों को यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन बता रही हूँ तो उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगी कि आपको याद कैसे रखना है जिन लोगों ने सही बताया है वो बिल्कुल अच्छा बताया उन्होंने लेकिन जिन लोगों का गलत हो रहा है देखो जो हमारा टू है इस टू का जो आंसर है वो हमारा सी है श्रृंगार अब इसको कैसे पहचानेंगे इसमें अक्सर जो गलती होती है जैसे हम इसमें जो छात्र ए ऑप्शन दे रहे हैं आप ये देखेंगे जैसे जिन लोगों को गूगल पे चेक करने की आदत है तो गूगल पे जाके चेक करते हैं तो गूगल ना ये वाला चीज निकालता है तो कहते हैं ये वाला सही है तो ध्यान रखिएगा ये कभी जीवन में नहीं होगा कभी जीवन में नहीं क्यूं? क्यों क्यों इसलिए क्योंकि देखिए ये जो वर्ण है हमारा ये स्र इस वर्ण के साथ कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता कभी भी नहीं आपका एक और शब्द आता है ऐसे पूछ लिया जाता है श्रृंग आपसे पूछा जाता है श्रृंग होगा या श्रृंग होगा इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है ये दो और ऑप्शन पूछे जाते हैं यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप तो ध्यान रखिएगा ये कभी नहीं होगा ये इसमें आप गांठ बांध लीजिए कि ये कभी नहीं होगा ये जो वर्ण है ये अवस्था कभी नहीं होती आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है अब ये क्यों नहीं होगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो आपका वर्ण होता है ये किससे मिलकर बना है ये तालु श और र से मिलकर बना है अब इस र में अगर आप री की मात्रा लगाते हैं मान लो ये इस र के साथ री की मात्रा तो इसका प्रयोग कभी नहीं होता और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्यंजनों में से वो कौन सा व्यंजन है जिसमें की मात्रा का प्रयोग नहीं होता तो वो आपका जो वर्ण होता है वो र होता है तो इसमें जब ये है तो र के नीचे री तो लगेगा ही नहीं और जब यहां लगेगा ही नहीं तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना ये होगा ना ये होगा ठीक है तो इसलिए ध्यान रखिएगा चाहे गूगल क्यों ना इसको क्रिएट करके दिखाए आपको आपको उसे नहीं मानना क्योंकि गूगल बाबा हमारे यहाँ के नहीं है ना उनको हमारे हिंदी यहाँ की पता नहीं है तो आप लोगों को बात ध्यान रखना वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर बार गूगल बाबा ठीक ही हो ठीक चलिए ये ये चीज आपको पता चली अब तीसरा प्रश्न करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा आराम से पता होगा हमारे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आप किसी भी एग्जाम का चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे साइंस एक्सपर्ट हमसे कह रहे हैं कि न्योछावर का संधि विच्छेद बताइए अब साइंस एक्सपर्ट एक बात बताइए हम पढ़ रहे हैं, वर्तनी शुद्धिकरण और आप हमें खींच के ले जा रहे हो संधि विच्छेद में खां मैं खा आप क्यों हमारी दिशा भ्रमित कर रहे हो अपनी तो कर ही रहे हो साथ के साथ हमारी भी कर रहे हो खैर चलो दूसरा आंसर बताओ इसमें प्रश्न नंबर तीन का आंसर क्या होगा और बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत सुंदर आप सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है लेकिन इसमें ओम यादव ने तीन का ए भी बताया जी क्यों तीन का ए आप कैसे बता रहे इसका मतलब अभी आप खतरे में हैं ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है तीसरे प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी और ध्यान दीजिए जिन छात्रों ने इस प्रश्न को अच्छे से किया है जिन्होंने बी किया बहुत अच्छी बात है लेकिन जो इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अभी कहें अरे मैडम मेरा दोस्त उज्जवल लिखता है अपना नाम ऐसे लिखता है तो ये सही नहीं होगा क्या तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर जब वर्तनी शुद्धिकरण करते हैं तो किसी के नाम के वो किस तरह से लिख रहा है किस शैली में लिख रहा है वो उसका अपना अधिकार होता है उसको हम गलत नहीं कर सकते लेकिन अगर उसका जो अर्थ है किताबों में जो उसका अर्थ है अगर उस अर्थ को हम लेते हैं तो वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए जैसे उज्जवल का अर्थ लेते हैं हम उजाला से तो उजाला से जब अर्थ लेते हैं तो आंसर हमारा ये बी ही होना चाहिए तो इस आधार पर ये नहीं होगा लेकिन अगर किसी का नाम है जैसे कोई लिखता है उज्जवल कुमार या उज्जवल यादव इस तरह से तो वो चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे वो उसकी मर्जी है लेकिन अब याद ये चीज ध्यान रखना आपको याद कैसे रखना है देखो ये जो शब्द है ये संधि विधि से बना शब्द है कौन सी संधि तो इसमें आपकी संधि आती है ये दो शब्दों से मिलके बनाया उत्त प्लस ज्वल अब आपको एक बात बताऊं जो मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाती हूं मैं आपको कहती हूं कोई भी चीज याद करो ना एक पंथ दो काज नहीं तीन चार पांच छह सात काज करो कैसे वर्तनी शुद्धिकरण सीख रहे हो ना यहाँ पर उज्जवल में यहां तो आपने सीखा इसके साथ साथ इसके अंदर संधि विच्छेद क्या है ये भी आपने यहां सीख लिया कि उत प्लस ज्वल कौन सी संधि है ये तो आपको पता है इधर भी व्यंजन और इधर भी व्यंजन तो स्वाभाविक सी बात है व्यंजन संधि है अब इसमें आपको पता है कि त का मेल ज के साथ होता है तो त ज में परिवर्तित हो जाता है ये भी आधा ये भी आधा ये तो आपको संधि के बारे में पता चल गया लेकिन इसके अंदर जो ये उत है ये क्या है एक उपसर्ग है तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उज्जवल शब्द में कौन सा उपसर्ग है और आपसे क्या दे सकता है देखो इसी के साथ बता रही हूं एक प्रश्न के साथ आपको दो तीन प्रश्न करा रही हूं आपसे पूछ सकता है कि उज्जवल शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको पहले ऑप्शन में देगा ऐसे उज इतना करके और आप उत्सर्ग इसमें इस तरह से देखेंगे इसी को आंसर लगा देंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा उपसर्ग होता है इसमें उत्तर कैसे ये त में कैसे परिवर्तित हुआ तो व्यंजन संधि के नियम के कारण ठीक है तो इस तरह से आपको एक शब्द में आपने कई सारी चीजें सीख ली अब यही तरीका होता है अच्छे से पढ़ने का एक तरीके से पढ़ो आप सही तरीके से पढ़ो और कई सारी बातें एक्स्ट्रा सीख लो खैर चलो नंबर चार पर आओ प्रश्न संख्या नंबर चार प्रश्न संख्या नंबर चार क्या कहता है इसमें जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है अच्छा आपने पहले से ही आंसर दे रखा है नंबर चार में नंबर चार में ए आंसर होगा नंबर uh, चार में ए सी आंसर नंबर चार में बी नंबर चार में बी uh, सुखवीर कह रहे हैं आगे आगे क्यों भाग रहे हो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सुखवीर अब मैं क्या करती हूँ अब मैं इसको ना नीचे वाला जो प्रश्न है इसको आप लोगों को देखने ही नहीं देती हूँ ऐसे रखूंगी तब आप मानोगे है ना ये तरीका सही रहेगा आपको नीचे इसको जो प्रश्न है मैं यहीं तक रखूंगी अब आप तब मानेंगे नहीं तो सही बात है कि आगे आगे भाग रहे जो मैं सिखाना चाह रही हूँ समझाना चाह रही हूँ वो तो आप सीख नहीं रहे चलिए तो चार का ऑप्शन बताइए चार प्रश्न क्या है हमारा सबसे पहले तो प्रश्न देखिए चार प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है सही बात और एक बात ध्यान रखना जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में प्रश्न गलत मत कर देना सही शब्द पूछा है तो इसमें आंसर जैसे आपने दिया है ए आंसर बता रहे कुछ लोग बी भी कह रहे हैं और चार का दीपक ने तो डी कहा है अब देखो यहाँ पे आप बताती हूँ इसका आंसर तो है ये ए पहला आंसर सन्यास में तो आपकी बिंदी भी होती है और आधन न भी होता है सन्यास लिखें या सन्यासी लिखें दोनों अलग अलग आता है अब इसके साथ ध्यान देना अभी तक तो हमारे तीन प्रश्न थे एक ही शब्द को हमने चार बार लिखा हुआ था लेकिन यहां पर हमारे सामने चार शब्द लिखे हुए हैं अब चार में से एक तो सही है और बाकी तीन तो गलत हैं लेकिन अभी अब आप चाहो तो कॉपी पेन रख सकते हो अपने साथ ये जो तीन गलत हुए इनका सही क्या होगा वो भी जान लो क्योंकि एग्जाम में पलट कर ये भी वापस आने वाले हैं हम्म तो देखो यहां पर आपका शब्द है प्रत्युपकार इसमें आपको ये ध्यान देना है जैसे ये आपका शब्द है प्रत्युपकार इसमें क्या गलती है इसके अंदर जो गलती है वो है इसको मैं मिटाती हूँ इसके अंदर गलती सिर्फ इसकी है ये जो ऊ है आपका बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ होगा कैसे तो ये शब्द हमारा दो शब्दों से मिलके बना यहां लिखती हूं किन से प्रति प्लस उपकार से इसके अंदर हमारी संधि है स्वर संधि ठीक है ये जो हमारी ई की मात्रा है ये किस में बदली है य में और ये छोटा ऊ इसके साथ जुड़ा है और ये शब्द क्या होता है प्रत्युपकार अगर आपने संधि को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इसकी वर्तनी को अच्छे से समझ पाएंगे दूसरा सी ये सी शब्द में जो हमारा दिया है ये दिया है दुरावस्था दिया है तो दुरावस्था नहीं दुरावस्था होता है ये जो आ है इसमें ये गलती है कैसे तो ये शब्द किससे मिलकर बनता है शब्द बनता है इसमें दूर उपसर्ग होता है और शब्द होता है अवस्था ठीक है ये उपसर्ग है आपसे ये भी पूछ सकता है दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है ये पूछ सकता है प्रश्न तो ये इस अ ने इस द को पूरा किया तो द र तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसमें आ नहीं आएगा कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा दुरावस्था इतना का डंडा नहीं आएगा एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है और ध्यान रखना है आपको ये ठीक उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये डी इसमें कैलाश तो इसमें ध्यान रखना है अब इसमें ये सटकोण वाला स तो नहीं होगा लेकिन आपका अगर ये तालु स होता है ये वाला स तालु स तो ये तत्सम संस्कृत शब्द की श्रेणी में आएगा तत्सम शब्द में और अगर इसके साथ ये स सा होता है दंत स तो ये हिंदी शब्द की श्रेणी में आ जाता है ध्यान रखिएगा हमें दोनों स्थिति में सही रखते हैं इसको चाहे ये आपका तालु स हो ये, ये हो तो ये तत्सम रूप में सही होता है और अगर ये स दंत स तो ये हिंदी शब्द तद्भव रूप में सही होता है ठीक है चलिए चलो इतना ही दिखाऊंगी बस फिर आगे आगे भागोगे नंबर सिक्स अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द खोजना है आपको जल्दी से बताना है फटाफट देखो आज भले ही यहाँ पर हम प्रश्न ले रहे हैं मैंने एक ही प्रश्न लिया ले लेकिन चार शब्दों के बारे में आपको बताया जल्दी से आप बताइए सचिन चौहान ने पूछा है मैम कहीं कहीं उपरोक्त शब्द भी देखने को मिलता है ये सही नहीं है क्या देखो मैं आपको बताती हूं शब्द उपरोक्त सही है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इसे सही नहीं मानना जो आपके आयोग जो आपसे पूछता है प्रश्न जो पूछता है उसके लिए वैसे सही है अगर लिखा जाता है तो उपरोक्त का मतलब भी होता है ऊपर ऊपर युक्त या उक्त उक्त का मतलब भी होता है स्थित होना इसलिए उपरोक्त सही हो जाएगा लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं फिर भी बार बार एक ही बात बोल रही हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको आपको गलत मानना पड़ेगा ठीक चलिए प्रश्न संख्या छ का आंसर ए ए बता रहे हैं आप लोग ओके ठीक है जल्दी से आप बताइए फटाफट प्रश्न संख्या छह में हमारा दिया हुआ है कि इसमें ऑप्शन है रचयिता और सृष्टा ठीक है ये जल्दी से बताना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बाकी के जो तीन इसमें गलत हो रहे हैं ना वो भी एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं तो ध्यान से बताइए कुछ लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं कुछ लोग इसका आंसर बी बता रहे हैं इसने सही शब्द पूछा है ठीक है सही है आप लोगों का आंसर आपका बुक कहाँ से खरीदे नंबर जो दिए हुए हैं वहां पे आप कॉल करके पता कर लेना सारी चीजें आपको वहां पता चल जाएंगी अगर कोई भी डाउट आपका रहता है नंबर पे कॉल करिए कॉल तो करिए एक बार या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां पे आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन बुक हो जाती है चलिए देखिए आप लोग आंसर बताए आंसर देखिए यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही बताया आपने जिन छात्रों ने ए आंसर बताया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन जो छात्र इसका आंसर बी बता रहे हैं वो सावधान हो जाइए उन्हें ध्यान रखना है अनुग्रहित का मतलब होता है एहसान मानने वाला और अनुग्रहीत ना कि अनुग्रहित ठीक है ये रहा नहीं होगा इसके अंदर ये ध्यान दीजिएगा इतना जहां पे मैं पॉइंट कर रही हूं ना वहीं पे सही कर लीजिए ध्यान रखना जहां भी आपको अनुग्रहित दिखाई दे आपको फोकस करना है इस पर हमेशा गलती यही होती है अगर आपकी की मात्रा दी हुई है तो की मात्रा ही आपकी सही होगी और रा अगर इस तरह से लगा हुआ है तो वो सही नहीं होता अनुगृित का मतलब होता है एहसान मानने वाला इसमें ये पॉइंट कर लीजिए ये इसके अंदर सही होता है ये आहार नहीं आहार होता है क्या होता है आहार ठीक है ए नहीं आ होगा आहार मतलब भोजन और इसके बाद ये सृष्टा दिया है देखो इस सब में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है छात्रों को जब भी आपको सृष्टा लिखा हो तो ऐसे लिखना है अगर आपको मान लो सृष्टि लिखने के लिए आए तो सृष्टि में आपको ये लगाना है ठीक है सृष्टि अगर दिया रहे तो आपको ये लिखना होता है ये और सृष्टा दिया है तो इस र को लगाना है इसलिए ये गलत हो गया इसमें सृष्टा दिया हुआ है ठीक चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर सेवन नंबर सेवन हमारा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है सही शब्द चुनना है अब एक ही शब्द चार बार लिखा है कुमुदनी कुमुदनी होता है जल्दी से नंबर सात का आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से बताइए फटाफट नंबर सेवन कुमुदनी कुमुदनी का अर्थ होता है चांदनी सॉरी चांदी नहीं होगा कुमनी का अर्थ होता है इस रात में खुलने वाला जो फूल होता है वो तो ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी आप लोगों की कमेंट मैं देख रही हूँ अर्जुन यादव कह रहे हैं बहुत कंफ्यूजन है मैम किस चीज में कंफ्यूजन है अरे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है पता है कंफ्यूजन कब होता है कंफ्यूजन आप लोगों को तब होता है जब आप लोगों को प्रश्न उत्तर सिखाए जाते हैं सिर्फ प्रश्न उत्तर सिखाए जाते हैं प्रश्न ये याद कर लो ये याद कर लो ये याद कर लो जब तक आप किसी चीज़ का बेस नहीं पढ़ते उसका आधार क्या है कहाँ से वो पैदा हुआ है कैसे वो बना है ये सारी चीज़ अगर नहीं पढ़ते यानी उसका बेसिक नहीं पढ़ते तब तक आपको कन्फ्यूज़न होता है और जब आप इसका बेसिक पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होता और ये शब्दावली भी जो है ये भी कोई रटी नहीं जाती है ये भी समझी जाती है और इनको भी बनाया जाता है जो शब्द आपको कठिन लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द से मिलकर बने होते हैं जल्दी बताइए नंबर से नंबर सेवन का आंसर नंबर सेवन, सेवन का आंसर बी फॉर बॉय यानी बी आंसर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बताया यही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट नंबर आठ नंबर आठ प्रश्न बताइए फटाफट से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है सही वर्तनी बतानी है सही वर्तनी चार शब्द दिए आधीन व्यवहारिक मिष्ठान अत्यधिक जल्दी से बताइए फिर आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है चार शब्द आपके सामने दिए हैं फटाफट मैम बी होगा किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ये भी बताइए क्योंकि हम आठ पर पहुंच चुके हैं सेवन का बी होगा हाँ तो ठीक है हम लोगों ने आगे ब... कर लिया सेवन का बी है अब मुझे बताइए आठ का आठ का डी बता रहे हैं कुछ लोग अमित अरविंद मनीष दीपक ठीक है एट का डी आंसर तरुण शर्मा मैम उन्नीस तारीख को फायरमैन का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी भी है कुछ हेल्प करो मैम देखो तरुण उन्नीस तारीख को है और आज नौ तारीख है दस दिन है दस दिन में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ ये तो अब आपकी पढ़ाई ही हेल्प करेगी आपने जैसा पढ़ा है जहाँ से पढ़ा है वही हेल्प कर सकती है आपकी मैं अभी आपकी शायद को ही कोई मदद कर पाऊँ हाँ इतना कह सकती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लो अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं इस समय में इतने कम समय में तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेबस तो आप पढ़ने से रहे अब इस समय आप प्रश्नोत्तर की मदद से काम कर सकते हैं आंसर सभी लोग दे रहे हैं कुछ लोग इसमें भी गलत आंसर दे रहे हैं कुछ लोग ए आंसर बता रहे हैं इसमें चलिए कुछ लोग बी भी आंसर बता रहे हैं खैर देखिए आपको बताती हूँ यहाँ पर आंसर जो सबसे ज्यादा छात्रों ने आंसर दिया है वो सही है डी आंसर ही इसका आंसर है अत्यधिक यही शब्द हमारा सही है अब हमें ये देखना है कि ठीक है जो सही हो गया वो तो सही हो गया लेकिन जो तीन गलत है वो क्यों गलत है हमें ये पता होने चाहिए तभी तो हम सही और गलत चुनेंगे उसमें से तो देखिए ये आधीन नहीं होता अधीन होता है क्या होता है ये आ नहीं अ होता है अब एक ऐसा तरीका बताऊं आप कहेंगे मैडम हम याद तो करके जाते हैं घर से हम जब निकलते हैं अब बिल्कुल याद करके जाते हैं कि अधीन होगा अधीन होगा लेकिन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पूछता है हम भूल जाते हैं हम अपनी बोलचाल में आ जाते हैं अधीन कहते हैं तो आपको एक तरीका बता रही हूँ जीवन भर याद रहेगा कैसे याद करना है अधीन का अर्थ होता है किसी के अंडर में यानी किसी का गुलाम और गुलाम कौन होता है जो उससे कम हो जो उससे छोटा हो तो जो छोटा होता है वही गुलाम होता है तो ध्यान रखिएगा आ है तो जब ये छोटा होगा तभी वो उसका गुलाम होगा तभी अधीन होगा बड़ा होने पे नहीं तो याद रहेगा सारे जीवन कभी नहीं भूलेंगे इसलिए आपको याद रखना है अधीन होता है वाक्य शुद्धिकरण में भी कभी कभी आपका ये शब्द देकर पूछ लिया जाता है ऐसे कि Uh, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि इतने सालों भारत अंग्रेजों के अधीन था ऐसे दे दिया जाता है और आपसे पूछेगा वाक्य शुद्धिकरण करिए तो आधीन शब्द दे दिया तो गलत ठीक है तो क्या करना होगा सही अधीन करना होगा ठीक चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बी ऑप्शन की तो इसमें शब्द क्या दिया है व्यवहार में एक प्रत्यय जोड़ा है क्या व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा है और मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि एक प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है इसका प्रथम स्वर क्या है यहाँ आएगा य यह के बाद प्रथम स्वर क्या है इसका अ तो ये इसको परिवर्तित करता है किस में अ में और शब्द क्या हो जाएगा व्या ठीक है क्या हो जाएगा ये व्या और उसके बाद बिल्कुल जियो का त्यो लिखो व र और र पे आपको ई की मात्रा जोड़नी है इसमें इक और शब्द बनेगा व्यावहारिक और यही सही होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी अलग दे दिया जाता है व्यवहार व्यवहारिक व्यावहारिक ऐसे करके दे दिया जाएगा इनमें से गलत बताओ तो व्यवहार जो ये लिखा है ना व्यवहारिक यही गलत होता है ठीक है चलिए ये चीज आपको याद हो गया अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा मिष्ठान दिया है ये मिष्ठान नहीं होता आप ध्यान रखिएगा जो हमारी दुकान होती है ना मिष्ठान की मिष्ठान की नहीं मिष्ठान की होती है वो लिखे रखते हैं अपने पास मिष्ठान देखिए ध्यान रखिए गलत होते हैं यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है किस से मिष्ट प्लस अन्न से मिस्ट प्लस अन्न मिष्ट का मतलब मीठा अन मतलब अन। जो मीठा अन्न होता है वही तो मिष्टान कहलाता है इसमें अंतिम स्वर क्या है अ प्रथम स्वर क्या है अ दोनों का मेल होता है तो क्या बनता है बड़ा अ और शब्द क्या हो जाएगा ये मिष्टान नहीं मतलब मिष्ठान नहीं शब्द क्या हो जाएगा मिष्टान इस तरीके से सही करना नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों को ये नहीं आया है तो ठीक है करन करन क्या है? करन पूछ रहे हैं मैम सामाजिक कैसे हुआ फिर अरे समाज में एक जोड़ा और कैसे हुआ ये लो ये भी कोई बहुत बड़ी बात है इतना तो दिमाग आप स्वयं लगा लेते शब्द क्या है हमारा समाज समाज शब्द में क्या जोड़ा गया है एक जोड़ा गया इसलिए शब्द क्या बना सामाजिक बना एक नहीं बहुत सारे शब्द आते हैं प्रमाण से प्रामाणिक व्यवहार से व्यावहारिक अध्यात्म से आध्यात्मिक समाज से सामाजिक परिवार से पारिवारिक और ये सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी हो सकता है आपको ये न पढ़ाया हो किसी टीचर ने कि इनको एक प्रत्यय लगाकर आप ऐसे बना सकते हैं इसी वजह से हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं वो अलग अलग शब्दों को याद करते हैं अलग अलग शब्दों को भाई इतने शब्द कहाँ से याद करोगे आप नियम को याद कर लो जो नियम आपके दिए हैं हिंदी के अंदर जो है उनको समझ लो उसको जाँच परख लो सारे शब्द सही होंगे जितने भी अगर मान लो आपको नहीं याद रहता है तो परीक्षा में एक नियम तो याद रहेगा 500 पचास सही कर सकते हैं ठीक है चलिए खैर अब अगर किसी को अब देखो एक नहीं दिया है विज्ञान से विज्ञानिक। बिल्कुल। मैंने आपको एक ही नियम बताया है, जब भी किसी शब्द में अब यहां पे आपको चलो बताई देती हूँ इसके साथ शब्द है विज्ञान विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा है तो मैंने आपको नियम क्या बताया है वो सुनो गौर से मैंने कहा जब किसी मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वो उसके पहले स्वर में परिवर्तन कर देता है अब पहले स्वर में परिवर्तन वो किस आधार पे करता है यह देखना पड़ेगा यहां पर आया है यह है व्यंजन और इसका स्वर क्या है ये ई तो ध्यान रखिएगा अगर इस स्थान पर छोटी ई बड़ी ई ए, ए और आय इन चारों में से कोई सा भी दिया हो इन चारों को वो सिर्फ एक ही वर्ण में बदलेगा इसमें आय में, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा दीर्घ है ठीक है उसमें ऐसे याद रख लो तो आपको पता ही है होगा क्या फिर यहां पर जब हम इस विज्ञान शब्द में जोड़ेंगे तो वह पे ये ई बदल गया आय में ठीक है और शब्द क्या हो गया वैज्ञानिक आपको किसी भी शब्द की वर्तनी लिखने में कोई परेशानी थोड़ी होगी अगर आपको नियम याद है तो अब अगर किसी को ये जिज्ञासा हो रही हो कि मैम चलो आपकी क्लास ले लेते हैं आप ऐसे पढ़ाते हैं इस तरह से हमें होगा तो ले लीजिए क्लास कहाँ जाके आपको क्लास लेनी है पता ही है आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए ये इस ऐप पर जाइए आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी या स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखे हैं आप उस नंबर पे कॉल करिए आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी खैर चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट तो ये हो गया अब उसके बाद नंबर नाइन बताइए मुझे एक और शब्द आ गया इसमें अगला आगे नंबर नाइन बताइए नंबर नाइन में कहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको फिर से दिया है उज्जवल वैमनष्यता कवित्री प्रामाणिक अब तो मैं समझती हूं आप जल्दी बता देंगे फटाफट फटा से जल्दी बताइए फटाफट अरे चलिए मेरे पढ़ाने का तरीका जैसा भी आप आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट फटाफट ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग ए नाइन का ए नाइन का ए मनीष रीनू ज्ञान का पिटारा वाह क्या नाम है बहुत सुंदर नाम है ए आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है और अभी अभी आप करके आए हैं याद ही है जो उज्जवल शब्द होता है दोनों ज हमारे क्या होते हैं आधे होते हैं वही उज्जवल हमारा सही होता है तो आंसर ए है हमारा इसका आंसर हो जाएगा अब बात उठती है फिर वही कि यहाँ पर हमारे जो तीन शब्द दिए इनमें ये गलत है लेकिन इनमें गलत क्या है साथ के साथ यही पढ़ना छोड़ना नहीं है एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन आपको सही करना है तो इनमें गलत क्या है तो देखो आप ध्यान अगर आपने प्रत्यय तो आप इस देख तो दिया है यानी पीछे जो य या है या ना आधा स जो हमारा होता है शब्द है वैमन और इसमें जो श के बाद य है इसके बाद हम त का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं ये आप लिख लीजिए इस चीज को कि वैमनुष्य शब्द के बाद प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं होता वैमनुष्य का मतलब होता है शत्रुता या किसी के प्रति जो मन में शत्रुता की भावना जो रखते हैं वैमनुष्य और वैमनुष्य ता शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है शब्दकोश में ही तो ये यहाँ पे गलती हो गई उसके बाद ये जो कवित्री है ये ऐसा शब्द है जो आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है तो ये कवित्री इस तरह से नहीं होता ये लिखा जाता है ऐसे कव और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे आएगा ये शब्द फिर दोबारा बताऊँगी इसको याद कैसे रखना है फिर आएगा आगे कई बार पूछा जाता है ना तो ये कवित्री इस तरह से लिखा जाता है और प्रमाणिक शब्द अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा आएगा यहाँ पर क्या होगा आ आएगा ये प्रामाणिक होगा मैं पहले भी इस चीज को बता चुकी हूँ तो अब इसके बाद आगे देखिए नंबर टेन नंबर टेन में दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है वर्तनी की दृष्टि से बताना है जल्दी <laughs> चार शब्द दिए हैं यहां आनुसंगिक लिखा हुआ है आनुसंगिक शब्द को आपको बताना है जल्दी से बताइए फटाफट से क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहे अब आपके कमेंट्स अच्छा एक मिनट ओके ठीक है अभी आपके आंसर दिख रहे हैं आपके ठीक आंसर इसमें आप दे रहे हैं सी आंसर दे रहे हैं टेन का टेन का आंसर ठीक है आनुवंश आनु आनुसंगिक आनु सॉरी ये जो साइंस एक्सपर्ट हैं आप बार बार एक शब्द दे रहे हैं न्योछावर में कौन सा सही है न्योछावर में देखो आउ की मात्रा वाला सही होता है शब्द ठीक है ये सही होता है आप बार बार इतना कमेंट कर रहे हैं अनुसंगिक ठीक है इसके अंदर नंबर टेन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा नेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या बीच में रुक रुक के आ रहा है चलिए बी बी आंसर आंसर कौन दे रहे हैं भाई बी आंसर नहीं होगा रिंकू ये बात ध्यान दीजिएगा बी आंसर किसी भी तरह ने आनुसंगिक इसका आंसर होगा सी आंसर होगा ठीक चलिए आगे अगला देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पर नंबर 11. जल्दी से बताइए नंबर ग्यारह प्रश्न संख्या ग्यारह प्रश्न है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है फिर से इसमें चार दिए हैं जल्दी से बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं हमारा समय भी हो रहा है ना जल्दी से हम करते हैं फटाफट से बताइए प्रश्न संख्या ग्यारह शब्द है परीक्षा इसमें यह बहुत आसान है आप बहुत आसानी से बता सकते हैं है ना नेक्स्ट नंबर ग्यारह का ग्यारह का सी ग्यारह का डी भी बता रहे हैं कुछ लोग मैम आप हिंदी के बाद कुछ और भी पढ़ाती हैं नहीं मैं हिंदी ही पढ़ाती हूं बाकी और सारे सब्जेक्ट को तो बहुत लोग पढ़ाते हैं भाई मैंने हिंदी को पढ़ाना ही सही समझा मुझे लगा कि हिंदी को ही पढ़ाना चाहिए सी आंसर दे रहे हैं ठीक है बिल्कुल सही बात है ये आपको आंसर आता है इसका इसका आंसर है सी फटाफट से आगे बढ़ते हैं नंबर बारह देखते हैं ये भी आप आंसर जल्दी दे देंगे क्योंकि मैंने अभी अभी पहले बताया पीछे बताया नंबर बारह में बताना है अनुग्रहित दिया हुआ है आप लोगों को याद होगा मैं पहले ही बता चुकी हूं हमने जब चार क्वेश्चन सही किए और ये तरीका आपको ये भी बताता है कि जब आप किसी प्रश्न को इस तरह से पढ़ते हैं कि उसके चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी देते हैं तो आपके आने वाले और क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं अनुग्रहित बताइए जल्दी से फटाफट अनुग्रहित का मतलब मैंने आपको बताया था एहसान मानने वाला एहसान मन ठीक है नंबर बारह का आंसर बताइए जल्दी से बारह का बारह का बी पुष्पा देवी ने बताया बारह का बी पूनम सूरज शिव धर्मेंद्र सतीश ठीक है ओम प्रकाश चलिए बी आंसर बता रहे हैं लेकिन इसमें दो तरह के आंसर आ रहे हैं कुछ लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग सी कह रहे हैं देखो जो लोग सी आंसर दे रहे हैं अनुज कहते हैं मैम आप बायोलॉजी भी तो पढ़ाती हो अनुज बायोलॉजी मैं अपने ऑफलाइन क्लास के छात्रों को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन में नहीं पढ़ाती हूँ मैं वो बायोलॉजी आप लोगों को मैं पढ़ाती थोड़ी ना हूँ वो तो ठीक है आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए एज ए सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाती ठीक है वो मैं ऐसे ही बस आप लोगों को आनंद दिलाने के लिए कि कैसे आप किसी चीज को अपने डेली रूटीन जीवन से सीख सकते हैं इसलिए तो बायोलॉजी तो वो वो ऐसे तो बायोलॉजी क्या ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को बताती रहती हूँ नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाती क्या आप लोगों को खैर चलिए आगे ठीक है आंसर का बारह का आंसर एक मिनट हम्म तो बारह का आंसर देखिए जो लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं इसका मतलब वो लोग हमसे बाद में जुड़े हैं लेकिन जो इसका आंसर बी बता रहे हैं वो लोग अच्छे बच्चे हैं जानते हैं अनुगृहित होता है लेकिन जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है ना उन्हें मैं बता देती हूँ ध्यान रखिएगा यही तो गलती आपको इसके अंदर देखनी है कि इसके अंदर जो ये दिया है ना ग्र ये ये वाला जो र है ये नहीं होगा और ध्यान दीजिएगा इसके अंदर छोटी ई की मात्रा भी नहीं होती तो आपको ये भी ऑप्शन में नहीं रखना क्योंकि ये नहीं होता तो ये सब गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा आपका सही है अनुग्रहित अनुग्रहित का मतलब एहसान मानने वाला नेक्स्ट जल्दी से बताइए अगला तेरह क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरह इसमें भी आपके दो आंसर आने वाले हैं ये मुझे पता है इसमें भी शुद्ध शब्द आपको बताना है शब्द है नरक नरक और निक और ये तो र से पहले ही उच्चारण हो रहा है डी में जल्दी से बताइए अमन कुमार कह रहे हैं सेल एक बार पढ़ा दीजिए मैम अच्छा जी अच्छा कह रहे मैम आप गुस्सा बहुत होते हो मुझे लगता है आज की क्लास में मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट आ गए हैं हाँ या तो ऑफलाइन के या ऑनलाइन के देखो बात ऐसी है आप लोगों को पता है मैं गुस्सा आप लोगों पे क्यों होती हूँ अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो ही तो आप एकदम सीरियस होकर पढ़ने बैठते हैं अगर मैं ऐसे ही करूँ ना जैसे आपको पता है यूट्यूब पर यूट्यूब पर हमारे छात्रों को क्या लगा रहता है कि हमारा नाम लें हमारा नाम लें और मैं अक्सर और भी यूट्यूबर को देखती हूँ जो लोग पढ़ाते हैं वो पढ़ाते कम हैं और छात्रों का नाम ज़्यादा लेते रहते हैं अब उसी से उन्हीं की देखा देख मुझे भी करना पड़ता है अगर मैं आप लोगों को जब कभी लाइव देने आती हूँ और अगर मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो फिर कोई टिकता नहीं है जाते रहते हैं ये फैक्ट बात है उनको लगता है मैडम तुम्हारा तो नाम ही नहीं ले रही तो हम यहाँ पे क्यों बैठे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें पढ़ना नहीं है उनको उनको बस अपना नाम सुनना है लेकिन यही चीज़ जब आप ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में आके कहते हो ना कि नाम लेना तब तो आपको पता ही है अब जो छात्र पढ़ रहे हैं मुझसे क्लास उनको पता ही है कि मैं फिर डांटती हूँ कि नाम नहीं लूंगी क्योंकि आपको पढ़ना है और ध्यान रखिए मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ देखिए जब अगर टीचर आपको पढ़ने से ज़्यादा आपके नाम ले रहा है ना तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका टाइम वेस्ट होता है और वही चीज़ है कि अब यूट्यूब के चलन में मुझे मुझे याद भी नहीं रहता कभी कभी तो आपकी कमेंट्स पढ़ना कभी जब मैं पढ़ाने लगती हूँ कोई सीरियस टॉपिक पढ़ाती हूँ तो आपकी कमेंट नहीं पढ़ती मुझे मुझे यहाँ सामने जो बैठे रहते हैं ना ये लोग मुझे पर्चा दिखाते हैं मैडम कमेंट्स पढ़ो ऐसे कहते हैं मुझे याद दिलाया जाता है कि कमेंट्स पढ़नी है खैर चलिए आप लोगों ने आंसर दिया आ, फिर आप देखो ये साइंस एक्सपर्ट जो है देखो साइंस एक्सपर्ट पहले चीज़ तो आप अपना नाम बता दो ये क्या नाम होता है साइंस एक्सपर्ट अब आपने फिर से एक दिया कि बीमार या बीमार कौन सा सही होगा आप एक काम करिए आप मेरा बैच ले लीजिए है ना क्लास ले लीजिए मेरी ऑनलाइन क्लास तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी आंसर आप लोगों ने यहाँ पे ए और बी आप लोगों का ये कॉमन आंसर आया है ए और बी और बहुत सही पूछा जाए तो बी आंसर बहुत ज्यादा आया है अब यहाँ पे आपको बताती हूँ आंसर तो है आपका इसका ए ये कैसे है अब सुनो सही तो आपके दोनों हैं ये भी सही है ये भी सही है लेकिन अब कहानी आती है आयोग के आंसर सही करने की तो ध्यान रखिएगा ये जो नर्क शब्द है ये है आपका तत्सम ठीक है क्या है ये तत्सम शब्द और ध्यान दीजिएगा कि जब कभी आपका तत्सम और तद्भव शब्द दोनों साथ दिए हों और उस समय शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जाए तो आपको हमेशा तद्भव शब्द चुनना होता है और ये है तद्भव एक चीज को आप गौर से सुन लीजिए अगर ये नर्क शब्द आपका सिंगल लिखा हुआ आए तो ये सही होगा ठीक ये आयोग के लिए बता रही हूं एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसके लिए तो ये नर्क तत्सम शब्द है और इसको हम बोलेंगे नर्क इसमें र का साउंड बहुत कम होगा लेकिन ये होगा नरक ठीक है क्या होगा ये नरक इसमें तीनों वर्णों के साथ जो है वो अ का साउंड रहेगा तो ये आपको ध्यान देना अब ये क्या है धीरे धीरे परिवर्तित होके बना है किस से तत्सम से बना है तो शब्द की वर्तनी तो दोनों की सही है लेकिन इस समय चार ऑप्शन दिए हैं और तत्सम और तद्भव में से जब हमको हिंदी भाषा के अंदर शुद्ध शब्द पूछा जाए तब हमें क्या करना होता है तद्भव शब्द को ही सही देना होता है इसी को हम सही आंसर लगाते हैं ठीक तो ये बात ध्यान रखिएगा मैम आप काहे लाइव हो कहाँ ये लाइव हो मतलब मतलब कहाँ से लाइव हो क्या कहना चाहते हो प्रवीण समझ नहीं पाए अगर आप पूछ रहे हैं मेरी जगह कि मैं कहाँ से लाइव हूँ तो मैं मुखर्जी नगर से मुखर्जी नगर जो दिल्ली है वहाँ से लाइव हूँ अगला बताइए नंबर चौदह जल्दी से बता दीजिए फटाफट प्रश्न संख्या है चौदह इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है चार यानी एक शब्द है टिप्पणी टिप्पणी शब्द है चार तरीके से लिखा हुआ है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा संतोष पूछ रहे हैं आपकी कोचिंग कब कब लगती है बताइए प्लीज़ देखिए हमारी कोचिंग जो है अभी प्रेजेंट टाइम में तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप अपने घर से हमारी क्लास ले सकते हैं और घर से कहाँ से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा हिंदी एकेडमी ये फोटो आता है इससे पहचान कर सकते हैं पर जल्दी से बाकी लोग आंसर बताइए तो आपको मैं बता देती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं नंबर चौदह का डी आंसर दे रहे हैं डी लगभग लगभग सब लोगों का डी आंसर आया है मैम मैं, मैं राजस्थान से हूं प्लीज गुस्सा ना करो आपको मेरे चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है क्या अरे मैं गुस्सा नहीं कर रही मैं जस्ट जस्ट आपको छेड़ रही हूँ थोड़ा सा अरे थोड़ा सा इंजॉय मैं भी कर लूँ ना आप लोगों को बात कर रही हूँ आप लोग बात कर रहे हैं मुझसे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं आपको बस ऐसे ही कमेंट कर रही हूँ इतना वो करने की जरूरत नहीं है बस मैं बोल रही हूँ कि आप अपना नाम बता दे तो अच्छा रहेगा खैर आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है सारे छात्रों ने इसका आंसर सही दिया है और डी इसका आंसर है ठीक है ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर पंद्रह दिया है <coughs> फिर देखो एक शब्द आ गया फिर से नंबर पंद्रह कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में चार ऑप्शन आपके दिए हैं अंत्याक्षरी पूजनीय तदोप्रांत और कवियत्री और ये चीज आपको बतानी है जल्दी से फटाफट इन चारों में से आंसर बताइए नंबर पंद्रह में आपको आंसर बताना है फटाफट रामकरण कह रहे बफरिंग हाँ रामकरण आज मुझे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है हो सकता है आपके भी नेट में प्रॉब्लम हो रही हो मेरे में भी थोड़ा बार बार हो जाती है जल्दी से बताइए फटाफट ओके okay, ठीक है कुछ छात्र कमेंट लिख रहे हैं देखो आप जब मेरी तारीफ़ करते हैं ना वो कमेंट मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ तो थैंक यू आप जो मेरे बारे में लिख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के दिल तक पहुँच पा रही हूँ और ये मतलब इतना आसान नहीं होता आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है खैर जल्दी से आंसर बताइए अभी आप लोग कह रहे हैं मैम धीरे धीरे पढ़ाया करो आ ब्राइट फ्यूचर ये इनका नाम है ब्राइट फ्यूचर कह रहे मैम धीरे धीरे पढ़ाया करो ब्राइट फ्यूचर मैं आपको एक बात बता देती हूँ मैं बहुत आराम से ही पढ़ाती हूँ यहाँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर ले रही हूँ बस इसलिए जल्दी करवा रही हूँ ये कोई एक सीक्वेंस नहीं है एक सही तरीका नहीं है यह सिर्फ क्या बस एक जल्दी जल्दी से है सिर्फ आपको एक बताया जा रहा है कि आप कैसे सीखेंगे ये तो आपका परीक्षा भवन के समय का समय है आप जल्दी से पंद्रह का ए आंसर दे रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही बात है सही आंसर अच्छा कुछ लोग बी भी दे रहे हैं और कुछ लोग सी और डी भी दे रहे हैं सुरेंद्र कुमार ने तो पंद्रह का डी बताया है तो देखिए जो लोग इसका आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल गलत है अभी अभी बता के आई थी मैं इसका मतलब आप लास्ट में आके जुड़े हैं है ना तो आप देर से आए हैं फिर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको कवित्री बताया कैसे लिखा जाएगा फिर भी आपने गलत कर दिया चलिए कोई बात नहीं आंसर बहुत लोग डी दे रहे हैं सी भी दे रहे हैं बी भी अच्छा चारों ही आंसर आ रहा है आपका सुभाष चंद्र बहुत ठीक है आप की बात मैं मान रही हूँ आप लोगों को लगता है मैं इस काबिल हूँ आप थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए आगे खैर जल्दी से प्रश्न बताइए मैं जल्दी से आपको आंसर बता देती हूँ इसका आंसर नंबर पंद्रह पंद्रह का जो आंसर है वो ए है जो लोग ए आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं अंत्याक्षरी होता है अंत्याक्षरी कैसे अब देखो आपको इन चारों शब्दों के बारे में बता देती हूँ जैसे क्या होता है भूल जाते हैं मान लो आपको यह रहता है कि पता नहीं शब्द सही होगा कि नहीं होगा जल्दी जल्दी से बताऊं सारे शब्दों को कैसे सही कर सकते हैं देखो ये जो शब्द है आपका अंत्याक्षरी दो शब्दों से मिलकर बनाए किस से शब्द क्या है अंत्य और इस अंत्य का मतलब होता है अंतिम ठीक है और शब्द है अक्षर और उसके बाद ई प्रत्यय है ठीक ऐसे बनाए ये अंत्य का अंतिम जो इसका स्वर है वो अ और ये आपका स्वर अ ये दोनों मिलकर इसके अंदर कौन सी संधि लगी है इसके अंदर दीर्घ संधि लगी है शब्द क्या हो गया अंत्याक्षर और अंत्याक्षर में ई प्रत्यय जुड़ गया और फिर क्या हो गया अंत्याक्षरी वर्तनी भी आ गई आपको कैसे याद रहना अंत्य अंत्य का मतलब अंतिम वाला ठीक है अक्षर प्लस ई अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इस शब्द के अंदर यानी अंत्याक्षरी शब्द के अंदर कौन कौन सी विधि लगी हुई है शब्द निर्माण की तो देखो इसके अंदर संधि विधि है दीर्घ संधि आ गई हमारी स्वर संधि है हमारी इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है ई प्रत्य लगा हुआ है तो इसके अंदर प्रत्यय विधि भी आ गई एक शब्द के साथ वर्तनी शुद्धिकरण तो सीखा ही सीखा आपने संधि विच्छेद भी सीखा संधि विच्छेद संधि सीखा कौन सी संधि संधि के साथ आपने प्रत्यय भी इसमें देखा कि इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो ऐसे सीख सकते हैं अब ये वाली चीज आपको कैसे याद होगी जब मैं आपको पढ़ाती हूँ संधि प्रत्यय उपसर्ग और ये सारी चीजें सब आपको सिखाती हूँ उस समय इस शब्द को देखो शब्द है आपका पूज्यनीय जहां भी कहीं ये शब्द दिख जाए सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि सही क्या होता है पूज्य ये पूज होगा और पूज शब्द के बाद प्रत्यय लगा होता है ये पूज्य शब्द के बाद नीय प्रत्यय कभी नहीं लगा होता या तो होगा शब्द पूज्य या तो ऐसे सही करिए पूज्य करके ठीक है या फिर पूजनीय निये सही करिए ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इस शब्द के लिए ये जो शब्द है आपका तदोप्रांत ये गलत है इसको कैसे सीखेंगे देखो दो शब्दों से मिलके बनाए किन से तत् प्लस उपरांत अगर आपने देखो या जो आधा ना लगा लो या बिंदी लगा लो अगर आपने पढ़ा है फिर उपसर्ग तो अब इसके अंदर तत् उपसर्ग है लेकिन इसमें कौन सा जैसे हम अगर इसको देखें तो इसके अंदर संधि विधि भी लगी है कैसे जो हमारा ये त आया है त के बाद यदि कोई स्वर आता है तो त अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है अगर ये आपने व्यंजन संधि पढ़ी है तो व्यंजन संधि कहती है कि जब किसी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण किसी स्वर से मेल करता है तो वो अपने वर्ण के तीसरे में बदल जाता है तो त का तीसरा वर्ण क्या है द ये यहाँ पे आ गया और ये उ प्लस ये ज्यो का त्यो उतरेगा उपरांत अब ये ऊ इस द को पूरा कर देगा और शब्द क्या होगा तदुपरांत अब चाहे ना न लगाएं यहां पर चाहे बिंदी लगा दें ऊपर ना की जगह तो इस शब्द क्या होगा सही तदुपरांत ना कि तदोपरांत ठीक है तो ये भी गलत हो जाएगा अब ये कैसे होगा अगर आपने इसको देखा है व्यंजन संधि को पढ़ा है तो आप आराम से कर लेंगे इसको अब रही बात यहां पे कवित्री तो कवित्री मैंने आपको बताया था इसके लिए एक ट्रिक सीख लो कैसे याद रखना है कवित्री शब्द को शब्द होता है कवि इसका पुरलिंग ठीक है पुरलिंग शब्द होता है कवि तो ये जो कवि शब्द है आपको ध्यान रखना है कि पुर्लिंग में तो ई की मात्रा होती है यहां पर लेकिन स्त्रीलिंग में ये ई की मात्रा नहीं होती ठीक है स्त्रीलिंग में ये ई की मात्रा नहीं होती तो इसको फिर से बताती हूं तो ये कैसे लिखा जाएगा अब जैसे ये है तो आपको ध्यान रखना है कि व से ई की मात्रा हटा के और बाकी इसको इस तरह से लिखना है जब भी याद करना हो ऐसे याद करिए कि जो इसका पुरलिंग होता है कभी इस व में तो ई की मात्रा होती है लेकिन यहां पर ई की मात्रा नहीं होती तभी इसका स्त्रीलिंग बनता है ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे ठीक है ऐसे याद रखना है आपको चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर सोलह और जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा अब काफ़ी समय हो गया है हमारा बहुत सुंदर ठीक है अनुज प्रजापति मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ और ठीक है बहुत ज़्यादा बार बार कमेंट मत करिए मैं इस बात को मैंने आपको पहले ही कहा जब आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मैं उसको अपने आप मन में पढ़ लेती हूँ और वैसे अब मैं आपको क्या कहूँ आपका आभार व्यक्त करती हूँ आप लोग मुझे मानते हैं अगर मैं आप लोगों के दिल तक पहुँच पाती हूँ तो अपना सौभाग्य समझती हूँ ठीक है तो चलिए ठीक है आगे आ, लिखो जल्दी से फटाफट बताओ नंबर सोलह का ये आपको बताना है नंबर सोलह जो प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है गलत कौन सा है इसमें चार शब्द हैं प्रज्वलित समुज्वल उज्जवल और समुज्ज्वल ठीक है जल्दी से बताना है, गलत बताना इसमें तीन सही है एक गलत है जल्दी से नंबर सोलह नंबर सोलह में गलत क्या और आप तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं नंबर सोलह का डी आंसर बता रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग सी भी बता रहे हैं कुछ लोग बी भी कह रहे हैं चलिए डी आंसर दे रहे हैं देखो जिन लोगों ने डी आंसर बताया है वही लोग सही बता रहे हैं आंसर यही गलत होगा हम अब गलत ढूंढ रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा प्रज्वलित ये बिल्कुल सही होता है और ये मत सोचना कि इसमें एक प्रत्यय है इसमें इत प्रत्यय है ठीक है तो इसमें कोई आवा नहीं लगेगा ये कैसे है प्र इसमें उपसर्ग लगाए इत प्रत्यय लगाए और ज्वल ज्वलत इसमें ज्वल जो है वो इसमें शब्द है मूल अब जैसे उज्ज्वल है तो देखिए इसमें आपको पता है दोनों ज लगी हुई हैं और वैसे ही समुज्ज्वल क्या हुआ है उज्ज्वल शब्द में क्या जोड़ दिया है हमने सम ठीक है तो ये सम हमारा उपसर्ग होता है ये जुड़ जाता है तो ये उपसर्ग इसमें जुड़ गया तो ये समुज्वल हो गया तो ध्यान रखिए यह, यहाँ पे ये यह आ गया लेकिन यहाँ तो एक ही जगह तो यही गलत होगा ऊपर वाले शब्द से आप देख सकते हैं है ना तो ये गलत हो जाएगा और इसने क्या पूछा हमसे अशुद्ध वाला पूछा इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका नंबर सोलह नंबर नंबर सत्रह नंबर सत्रह हमारा कहता है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बनाना है फिर से आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है चार ऑप्शन आपके दिए हैं पारलौकिक निश्चेष्ट दुर्दर्श और आशीर्वाद इन चारों में से आपको बताना है जल्दी से बताइए आंसर फटाफट डी डी आंसर दे दिया ठीक है चलो अब सोलह का हो गया बताइए जल्दी से आप कह रहे हैं प्रवीण कह रहे हैं मैम मैं भूल गया कि अशुद्ध बताया है देखो यही तो सबसे बड़ी बात है एग्जामिनर की तीन चार आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध शुद्ध और फिर कर देगा अशुद्ध और आप गल गलती कर जाएंगे तो जब भी आपको करना है जो प्रश्न किया गया उसको अंडरलाइन कर लो आपसे शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है ठीक है प्रश्न में अंडरलाइन जरूर करो जो आपसे पूछा गया है चलिए नंबर सत्रह का सी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग मैम यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन क्लास कब से चलेगी अहमद <coughs> पूछ रहे हैं अमजाद देखिए यूपीएसआई के लिए क्लासेस हमारी चल रही हैं हम पूरा कम्बाइंड बैच लेते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो बैच ले लीजिए आपके लिए पूरा वो यूज टू रहेगा है ना चलिए जल्दी से फटाफट सत्रह का आंसर बताइए इसमें कुछ लोग बी आंसर बता रहे हैं कुछ लोग इसका डी आंसर बता रहे हैं जल्दी से बताइए क्वेश्चन संख्या है हमारा सत्रह सत्रह का कुछ लोग सी आंसर बता रहे हैं कुछ लोग बी बता रहे हैं हमें क्या बताना है अशुद्ध बताना है देखो शब्द है अब मैं आपको बताती हूँ शब्द है पारलौकिक ये बिल्कुल ठीक है हमें पता है किससे बना है पार प्लस लौकिक ये इस लौकिक शब्द से बना है और लौकिक शब्द भी हमारा एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें लोक में एक प्रत्यय जुड़ा है इसके अंदर उपसर्ग भी और प्रत्यय भी दोनों शब्द हैं ठीक है ये शब्द सही है ठीक है ये आंसर नहीं होगा इसका तो ये शब्द हमारा क्या है सही है उसके बाद हम बी पे आते हैं तो देखो शब्द दिया है निश्चे अब देखो अगर आपने संधि विच्छेद किया है या संधि सीखी है तो आप इसका आंसर पहचान जाएंगे इसका आंसर है बी कैसे देखो शब्द है आपका अब ये किससे बना है <coughs> शब्द है नि प्लस चेस्ट जब आप विसर्ग संधि में देते हैं तो यदि किसी विसर्ग का मेल किससे होता है किसी च से होता है च या छ से होता है तो ये जो विसर्ग है ये तालु श में बदलता है किस में बदलता है तालु श में और ये शब्द ऐसे आ जाएगा ये आपको याद होगा जिन्होंने मेरी क्लास ली है मैंने ये चीज बताया है तालू से तालू वाला वर्णमाला पढ़ाई थी आपको उच्चारण स्थान सिखाया फिर उसके बाद आपको जब संधि आई थी तो संधि कैसे वर्णमाला से रिलेटेड है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं तो ऐसे ही इसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है अब जैसे जिन छात्रों ने अगर हमारी क्लास नहीं ली है विसर्ग संधि वाली वो कहेंगे मैडम हम कैसे याद रखेंगे कि ये विसर्ग हमारा कौन से वाले श में बदलेगा श में या श में या स में तो तीन सा होते हैं हमारे तो कैसे बदलेगा तो देखो मैंने तरीका बताया है आपको मैंने आपको ये तरीका बताया है कि इस विसर्ग का मेल जब तालु वर्ण से होता है तो तालु श में बदलेगा और अगर इस विसर्ग का मेल दंत वर्ण से होता है तो दंत श में बदलेगा और बाकी जितने भी होंगे चाहे वो कंठ हो चाहे मूर्धा हो चाहे ओष्ट हो वो सब किस में बदलेंगे वो मूर्धा में बदलेंगे तो यहाँ पे च जो है ये हमारा तालु वर्ण है और तालु वर्ण है तो स्वाभाविक सी बात है इसको क्या होना चाहिए था तो ये हमारा शब्द निश्चेष होना चाहिए था ऐसे आपको वर्तनी रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको वर्तनी पढ़ने की जरूरत है सिर्फ एक बार पढ़िए और वो भी किस में पढ़ना है आपको संधि उपसर्ग प्रत्यय और समास इन सब में पढ़ना है शब्द निर्माण में पढ़ना है वर्णमाला के साथ पढ़ना है और इन्हीं के साथ आपकी सारी वर्तनी शुद्ध हो जाती है ठीक है अब देखो ये आंसर हो गया दुर्दर्श का मतलब होता है जिसको जीतना कठिन हो ठीक है, है। दुर्दर्श जिसको कठिनाई से जीता जाए उसे कहते हैं दुर्दर्श और आशीर्वाद बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाएगा चलिए नंबर आठ सॉरी अठारह शब्द आपका पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है चार तरह से दिया हुआ है अब आपको बताना है इसका सही आंसर बताना है जल्दी से बताइए आप आंसर वरुण कह रहे हैं मैम अगर हिंदी शुरू से करनी है तो इंडेक्स बता दीजिए प्लीज देखिए आप बिल्कुल शुरू से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप अगर हम पुरा, पुराना बैच भी लेते हैं आप मैं आपको बता देती हूँ अगर आप पुराना बैच भी लेते हैं तो आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो एक साल की मिलती है मैं आपको बता दूं मैं जो हिंदी करवाती हूँ वो तीन महीने की होती है तीन महीने की क्लास लेती हूँ मैं हिंदी की और हम उसमें बहुत आराम से पढ़ते हैं जैसे हमारी वर्णमाला की क्लास ही होती है पांच प्लस तीन अब वर्णमाला में पांच प्लस तीन कैसे पहले पांच दिन केवल और केवल वर्णमाला पूरा डिटेल पढ़ते हैं एकदम शुरू से लेके आखिर तक फिर तीन दिन की होती है वर्तनी तो वर्तनी में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होती हैं वो सारी होती है यानी आठ दिन की क्लास हमारी वर्णमाला पे, तो इस तरह से हम तीन महीने की क्लास लेते हैं और तीन महीने की क्लास हो जाने के बाद उसमें कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा अब वो क्लास आप एक साल तक देख सकते हैं आपके पास वो क्लास एक साल तक पड़ी हुई होती है तो आप चाहे तो लाइव बैच ले लें आप चाहे तो जो पुराना बैच चल रहा है दो महीने पहले से तो क्लासेस आपको वहां मिल जाएंगी हर दिन आप क्रम से देख सकते हैं क्लास पहले दिन से और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से देखो मैं जो आपको क्लास देती हूँ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो मैं आपको क्लास देती हूँ <coughs> उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है अगर हमने क्लास वन दी यहाँ पर तो आपका शब्द लिखा रहेगा जैसे वर्णमाला तो वर्णमाला की वो कौन सी क्लास है यहाँ लिखा रहता है कि वर्णमाला की पहली क्लास है तो वर्णमाला की दूसरी क्लास है या वर्णमाला की तीसरी क्लास है अगर उसके बाद वर्तनी शुरू होता है तो वर्तनी आपका लिख के लिखा रहता है एक यानी वर्तनी की पहली क्लास है हर टॉपिक के साथ आपकी क्लासेस उसमें लिखी रहती हैं तो आप आराम से देख सकते हैं और यहाँ पे क्लास की नंबरिंग होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आगे इस तरह से करके यानी आपको जिस तरीके से देखनी है एक क्रम से पहले दिन से क्लास ले सकते हैं तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि व्यवस्थित नहीं हो सकती आप देख सकते हैं कहीं से भी ले लें क्लास ठीक है तो प्रश्न हमारा चल रहा था अठारह अठारह का आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं जैसे है धोबिन ए ऑप्शन दे रहे हैं राजस्थान क्या बोला मैं नहीं पढ़ पाई मैम हिंदी का कोर्स लेना चाहता हूं बिल्कुल ले लीजिए अशोक आप मैंने आपको बताई दिया जो एप्लीकेशन है हिंदी एकेडमी, वहां से आप देख सकते हैं कह रहे हैं अच्छा फिर ये बोल रहे मैम मैम आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रहती है देखो आपके इस प्रश्न का जरूर आंसर दूंगी मैं आप ये देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं हमारे जो टीचर थे ना मैं सच कहूं तो आज मैं हिंदी पढ़ा रही हूं या मैं आज एक टीचर बन पाई हूं तो मैं अपने टीचर की वजह से बन पाई हूं या मैं अपने जीवन में आज कामयाब हूं तो मैं अपने उन टीचरों की वजह से हूं जिन टीचरों ने मुझे मारा पीटा था मुझे डांटा था फटकारा था बहुत डांटा था उन्हीं टीचर की वजह से लेकिन जो टीचर मेरी कमियों पर हंस देते थे या मुझे नहीं समझाते थे आज मैं इस स्टेज पर आके मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कभी मेरा भला नहीं चाहा था तो ध्यान रखिएगा जो टीचर आपके साथ स्ट्रिक्ट होता है वो आपके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होता है तभी वो आपको गलत चीज़ों के लिए डांटता है याद रखिए एक बात मेरे अपने जीवन की है और मैंने इस बात को अपने आसपास में भी महसूस किया है जो छात्र जो बच्चे अपने माता पिता और अपने गुरु से पिटते हैं डांट खाते हैं या उनसे सौ बातें सुनते हैं वही अपने जीवन में सफल भी होते हैं लेकिन जिन छात्रों को जिन बच्चों को अपने माता पिता और गुरुजन से बहुत ज़्यादा लार दुलार मिलता है ना वो बिगड़ जाते हैं और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते वही बच्चे सफल होते हैं तो मेरा एक ही बात है आप लोगों से अगर मैं स्टिक कहीं रहती हूँ आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टिक हो जाती हूँ पढ़ाते समय तो एक ही चिंता मुझे रहती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें आप अपने समय को नष्ट ना करें इसीलिए मैं स्टिक रहती हूँ और आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो पता है नए बच्चे सोचेंगे पता नहीं मैडम डंडी लेके मारती है क्या यार मैं ऑनलाइन में आप लोगों को क्या डांटूंगी हाँ आप लोगों की क्लास मतलब आप लोगों की अगर मैं कॉपी चेक करवा लेती हूँ आपको व्हाट्सअप पे मंगवा कर तो आप लोगों को ये स्टिक लगता है चलो जी कोई बात नहीं पर मैं तो आपकी कॉपी चेक करूँगी ही करूँगी <coughs> हमारे द्वारा फीस जमा कर दी गई है लेकिन अभी तक हमें क्लास ओपन नहीं हुई कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा पवन यादव कह रहे हैं देखिए पवन यादव अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत बात है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा तो नहीं हो सकता हालांकि आप ये जो नंबर दिया है इस नंबर पर आप कॉल करिए और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस नंबर पर कॉल करेंगे जो सिक्स थ्री वाला है तो इस नंबर की कॉल रिकॉर्ड होती है और उस कॉल को मैं चेक करती हूँ अगर मेरे ये स्टाफ कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं तो मैं उस चीज़ को खुद ही देखूँगी तो ऐसा नहीं है कि आपने फ़ीस जमा कर दी और आपको क्लास नहीं मिली तो अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गलत बात है मैं अभी अपने छात्र से अपने स्टाफ से पूछूँगी कि हमारे किसी छात्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा कल दिन में नौ बजे के बाद तो एक बार और बात कर लीजिएगा स्टाफ से है ना चलिए ठीक है फिर आंसर हम बताते हैं तो आंसर इसका आंसर ए आपने दिया है ए आंसर है इसका धोबिन बिल्कुल सही है उन्नीस आंसर इसका बता दीजिए जल्दी से फटाफट आप लोग बातचीत करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है फिर से चार शब्द आपके दिए हुए हैं जल्दी से बता दीजिए उन्नीस का आंसर क्या होगा भगीरथी भागीरथी भगीरथी या भागीरथी ठीक है और ये किसका पर्यायवाची है गंगा का पर्यायवाची आया है ये बात आपको बतानी है यानी ये ध्यान क्लास जल्दी खत्म करो बिल्कुल करते हैं जल्दी से फटाफट जल्दी आंसर बताइए मुझे क्या होगा उन्नीस का आंसर बता दीजिए जल्दी फटाफट गंगा का पर्याय वाची है ये शब्द शब्द है आपका भागीरथ और भागीरथ में ई प्रत्य जोड़ा गया है तो शब्द बन जाता है आपका भागीरथी और भागीरथी में आंसर बी है ठीक है भागीरथी का आंसर बी है चलिए ठीक है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीस क्वेश्चन है बीस शुद्ध वर्तनी वाला फिर से सही शब्द बताना है आपको सही शब्द बताइए क्वेश्चन संख्या बीस का शब्द आपका दिया हुआ है विरहिणी और विरहिणी शब्द को आपको सही बताना है क्वेश्चन संख्या बीस <laughs> जल्दी से आपका आना चाहिए यूजीसी नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप पूरन वर्मा आप यू जी सी नेट के लिए भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ ये बताई है कि आप अपने एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन टॉपिक को देखिए और सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है तो सिलेबस से आप देख लीजिए कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं या नहीं ठीक बीस का बताइए बीस का बी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग बी कुछ लोग सी भी बता रहे हैं अजय मीना के अजय मीन कह रहे हैं है, मैम मैंने कुछ नहीं पढ़ा अगर मैं अब पढ़ाई शुरू कर दूं तो क्या अब कुछ हो सकता है देखिए अब ऐसा क्या हुआ आपका कोई जीवन थोड़ी ख़त्म हो रहा है गजब बात करते हैं आप हाँ अगर आपके एग्जाम की डेट नज़दीक आ गई है तो ये बताइए अब देखिए चाहे आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है या नहीं आ गई आप पढ़ना शुरू कर दीजिए आज ही से पढ़ना कहते हैं जब जागो तभी सवेरा बीस का आंसर बताइए बीस का आंसर दे रहे हैं कुछ लोग सी होगा बिल्कुल सही बात आपने बताई है आंसर इसका सी होगा विरहिणी का मतलब क्या होता है विरहिणी का मतलब होता है वह स्त्री जो व्रह में है और विरह का क्या अर्थ होता है शब्द है ठीक है? विरह का क्या अर्थ होता है विरह का अर्थ होता है जब कभी मतलब जैसे प्रेमी या प्रेमिका अगर हमसे दूर हो और उसके दूर होने का जो दुख मन में होता है उसको कहते हैं विरह और वृहिणी का मतलब होता है वह स्त्री जो इस दुख में है कि उसका पति उससे दूर है तो उसे वृहिणी कहते हैं ठीक है चलिए तो ये आ, हमारा जो इसका आंसर है वो फिर सी होगा और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आज हमारे ये ही बीस आंसर हैं इसमें यानी हमने बीस ही क्वेश्चन किए इसके अंदर अब ये जो पी थी ये आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है अगर आपको ये चाहिए तो ये पी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप पर जाकर निधि एकेडमी लिखें या हिंदी एकेडमी लिखें यही ये फोटो वाला जो ऐप आता है वही आप डाउनलोड करिएगा वहां से आप ले सकते हैं तो आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें देखी मैम हिंदी की ऑनलाइन क्लास करनी है आ, प्लीज रिप्लाई बैक देखिए आप हिंदी की क्लास कर लीजिए यहाँ पर इसी एप्लीकेशन पर आपको हमारी क्लास मिलेंगी आप इस पे जा सकते हैं और यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें सिर्फ ये नहीं कि पीडीएफ के लिए सिर्फ आपकी पेड ऑनलाइन क्लासेस होती है इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी होती है आपको हर संडे में एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है आप वहाँ पर जाके अपने आप को चेक कर सकते हैं आप कहीं पर भी पढ़ते रहिए आप कहीं भी जाइए किसी में भी चाहे किताब से पढ़िए किसी अन्य टीचर से पढ़िए एक बार यहाँ पर प्रश्न उत्तर करके देख लीजिए वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और भी बहुत सारी चीजें जैसे एक दो चीजें आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको चीज चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं उनकी पीडीएफ वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ठीक तो मुझे ये बताइए आप सभी लोग कि 20 में से कितने आंसर सही किए आप लोगों ने जो भी यहाँ पे पढ़े हैं कितने गलत हुए कितने आपके सही हुए और आज आपने क्या कोई शब्द सीखा या फिर ऐसे ही सब सर के ऊपर से चला गया या कुछ नया सीखा मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ अपनी क्लास में कि आज आपने क्या नया सीखा क्या कुछ नया सीखा तो फिर भी वहां पे छात्र बताते हैं अब आप लोग मुझे बताइए क्या आज आपने कुछ नया सीखा तो मैं अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब हुई या नहीं ये तो आपका आंसर ही बताएगा तो संतोष कह रहे हैं सोलह क्वेश्चन सही हुए आंचल गुप्ता उन्नीस कृष्ण मौर्य तेरा छोला राम सात रीनू पंद्रह अनुज प्रताप सिंह पचास अरे बाप रे, हमने तो पचास कराए नहीं हमने तो बीस कराया पचास कैसे हो गया आपका आंसर संतोष ने सोलह किया है आ, मोहित चौदाह शुभकरण अठारह चलिए ठीक है आप सभी लोगों ने प्रवीण कह रहे हैं मैम आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा पासवर्ड डालता हूँ फिर भी कुछ ऐसे बताता है कि आपके पहले से डाउनलोड है देखिए हो सकता है कि मान लो आपने डाउनलोड कर रखा हो अगर आपको पासवर्ड वो ऐसे बताता है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए आप ठीक है लॉगिन करना पड़ेगा आप उससे देख लीजिए तो और अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है मान लो नहीं हो रहा फिर भी डाउनलोड तो इस नंबर पे कॉल कर लेना अभी तो नहीं अभी तो स्टाफ नहीं होगा आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है कल दिन में और वहाँ पे स्टाफ से बात कर लीजिए वो आपकी मदद कर देंगे आपको आपका पासवर्ड भी बता देंगे उसमें देख कर तो आप कॉल कर सकते हैं आप रोइए मत प्लीज़ इतना ज़्यादा आपने आंसू बहा दिया बताइए आपके आंसू कितने अनमोल हैं तो खैर चलिए ओके okay, ठीक है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया और मुझसे बातचीत की मेरी चीज़ों को समझा भी और मैंने आप लोगों को कुछ समझाया आप लोगों के साथ आज की क्लास में मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों को कैसे आया मुझे ज़रूर बताइएगा और ये आपसे कहूँगी कि आप अगर फिर से बार बार मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मैं सच बताऊँ मुझे ये सब कहने का शौक़ नहीं है फिर फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है बच्चे बोलते हैं ना कि मैम आप बोलती नहीं है किसी भी से भी कि लाइक कर दो या शेयर कर दो या सब्सक्राइब कर दो तो चलो आज मैं बोल देती हूँ अपने छात्रों की इस बात को रख लेती हूँ कि आप शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ अगले अभी ये तो बीस क्वेश्चन की है इसके साथ और क्वेश्चन लेके आएंगे फिर आगे की क्लास में मिलते हैं आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है गुड नाइट बाय बाय टेक केयर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा मास्क लगा के ही बाहर निकलिएगा